गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा तीज का व्रत बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ और आज है हमारा पारन वाला दिन, जिस दिन अब हम लोग फलाहार करेंगे। सुबह हो गई है भाई और आज का समय था 8:35 के बाद ही पारन करना था क्योंकि वैसा ही मुहूर्त था। तो समय हो गया है तो बस जा रहे हैं हम लोग अब फलाहार करने के लिए। रात में 12 बजे के बाद पानी तो पी लिया था। तो देखिए मेरा रील्स में जाके देखिए मेरा आज का लुक कैसा लग रहा है आप लोग को। तो सिंपल सोबर ही आज का लुक रखा है क्योंकि कल ऑलरेडी बहुत रेडी हो रहे थे पूजा के लिए। तो आज और मेरे घर में कुछ स्पेशल चीज़ें और होने वाली है जो शायद काफ़ी सारे लोगों को पहली बार ही देखने को मिलेगा। हमारे घर में आज है सबसे पहले तो पर्री भरने का नेंग है क्योंकि मेरे दोनों सिस्टर की शादी हुई है, और उसके बाद फिर मंगरोहन ठंडा करना है। अब वो क्या होता है मैं आपको आगे बढ़ाऊँगी बताऊँगी, तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। यहाँ पे हमारे फलाहार की थाली रेडी हो गई थी, हम लोग फलाहार करने बैठ भी गए खाते थे। रहो। सब कुछ अपने इच्छा से जो रुचि होती है वो खाते हैं। सबसे पहले तुलसी पत्र के साथ में फल ग्रहण करते हैं, उसके बाद जिसको जो खाने का इच्छा होता है आज के दिन खा सकता है। यहाँ पे मम्मी सबको साड़ी दे रही थी और मेरे सिस्टर लोग को बुआ को सब उनका पैर छू रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ तो तीज में भाई साड़ियाँ बहुत बढ़ती हैं। मतलब सबको एक दूसरे को साड़ी देते हैं जो भी बड़े लोग। यहाँ भी साड़ी वाड़ी देने का फुल प्रोग्राम चला है, बहुत देखा साड़ी ला। तो मेरी बुआ को बहुत सारी साड़ी मिली है, मेरी बहन लोग को बहुत सारी साड़ियाँ मिली हैं, दिखा प्रियंका भर भर के साड़ी मिला है, मुझे इतनी साड़ियाँ मिली हैं। मतलब तीजा का त्योहार का मतलब तो यह है कि साड़ी ही साड़ी है भाई, सबको बहुत साड़ियाँ मिली है सब जन को। यहाँ पे मैं और बुआ हम लोग मंगरोहन का पूजा कर रहे हैं क्योंकि इसका विसर्जन करने से पहले घर में पहले से पूजा किया जाता है। तो मैं और मेरी ये बुआ है, हम दोनों इसका पूजा कर रहे हैं। तालाब जा रहे हैं हम लोग अभी मंगरोहन ठंडा करने के लिए और देखते हैं वहाँ का कैसा नजारा रहेगा, क्या आपको दिखाते हैं। बाकी लोग पहुँच गए हैं, हम लोग बस लास्ट में हम लोग जा रहे हैं क्योंकि एक एक करके सबको हम लोग गाड़ी से छोड़ रहे थे। गए हम लोग तालाब में, तालाब का दृश्य दिखाते हैं आपको। अभी शीतला मंदिर में आए हैं हम लोग, ये माता शीतला का मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे शिव जी भी बाहर में विराजमान है, हनुमान जी का मंदिर है और माता शीतला का मंदिर है यहाँ। तो पहले पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद फिर विसर्जन के लिए जाएंगे। इन दोनों बहनों का शादी हुआ है, प्रियंका श्रद्धा और मेरे भाई का। तो इनके शादी का मंगरोहन मतलब जो हल्दी के नेग में हम लोग जो चीजें यूज करते हैं उसका आज विसर्जन रहता है गणेश चतुर्थी के दिन। तो बस इसी का विसर्जन करने आए हैं, तो अब देखिए हम लोग कैसे विसर्जन कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया था हमारा विसर्जन का कार्यक्रम। मंगरोहन को हम विसर्जित किए और हथवा का नारियल और शादी में जो भी चीज़ें यूज़ होती है उसको हम लंबे समय तक नहीं रखते हैं, तो उसका विसर्जन किया जाता है। और हाँ, पर्री के नहीं में ये हुआ था कि मेरी बहनें हैं वो अपने से बड़े सबको ही सुहाग का सामान ये सब देती हैं और उनका पूजा किया जाता है। तो ये हमारे घर में पर्री का नेंग होता है, जिसकी भी शादी होती है उसके पहले तीज में ये किया जाता है। ये माता शीतला का मंदिर, और ये सभी भक्त जन। और आप सॉरी भी तो देखिए जल्दी आ जाइए, मैं खा लिया आपके छुटे हुए कुछ तकनीकी परेशानियों के चलते हुए मेघा छूट गई, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था, बट ठीक है कोई बात नहीं, कैप्चर कर लिया गया मेरा। तो आज बड़ी मम्मी भी साड़ी बांट रही है, विकास संग सपना लिखा है। तो ये देखिए क्योंकि हम लोग आए थे पिज्जा में मंगरोहन ठंडा करे हैं, इसमें विकास संग सपना मिला है हम लोग को। ये इस लड़के का नाम ही विकास है जिसका शादी हुआ है, संग सपना अभी नहीं है, पर संग सपना अभी नहीं है। पूजा की समाप्ति होते हुए भैया हो गया आज का बहुत, गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का स्थापना है रात में, तो बस फिर कंप्लीट हो गया हम लोग का पूजा वीजा खाना पीना। चलते हैं घर की ओर।